हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बोर्ड मार्कशीट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपकी यूपी बोर्ड की मार्कशीट कहीं पर खो गई है या गुम हो गई है, तो आप जो है कि दूसरी मार्कशीट को कैसे मंगवा सकते हैं या दूसरी मार्कशीट आप कैसे बनवा सकते हैं, पूरा स्टेप वाइज आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट यह वीडियो है। और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो बनाता रहता हूं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि अगर आपकी यूपी बोर्ड की मार्कशीट कहीं खो गई है और आपको दूसरी मार्कशीट बनवानी है, तो किस तरह से जो है कि आप मार्कशीट बनवा सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए, अगर आपको दूसरी मार्कशीट बनवाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप जिस भी क्लास की आपकी मार्कशीट गुम हुई है, चाहे 10th हो गया या 12th हो गया, तो सबसे पहले आपको उस कॉलेज जाना है जिस कॉलेज से आपने क्लास 10th 12th किया था, और वहां पर प्रिंसिपल से आपको मिलना है और उनको यह बताना है कि सर हमारी मार्कशीट गुम हो गई है और हमको दूसरा मनवाना है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो प्रिंसिपल होते हैं उनको पूरा स्टेप मालूम होता है, क्योंकि उनका तो कॉलेज चलता है। तो ऐसे में जो है कि बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है कि मार्कशीट गुम हो जाती है, तो उनको पूरा स्टेप पता होता है कि क्या क्या करना होगा और किस तरह से जो है कि आपकी मार्कशीट आएगी। तो वह पूरा प्रोसेस आपको बता देते हैं या वह कुछ पैसे आपसे लेते हैं और आपकी जो है कि दूसरी मार्कशीट बनवा देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपके स्कूल वाले या कॉलेज वाले नहीं मान रहे हैं, तो ऐसे में आप क्या करिएगा कि एक एप्लीकेशन आपको लिखना है और उसमें भी यही सब लिखना है कि हमारी मार्कशीट यह है और गुम हो गई है और जो है कि हमको दूसरी मार्कशीट बनवाना है। तो ऐसे में एप्लीकेशन लिख करके जो है उस पर आपको अपने स्कूल का मुहर लगवा लेनी है और अपना प्रिंसिपल जो है उनका आपको सिग्नेचर करवा लेना है। और उसके बाद कुछ काम और करना है, जैसे एक आप एफिडेविट बनवा लीजिए। एफिडेविट में यही होता है कि मार्कशीट गुम हो गई है और हमको दूसरी मार्कशीट बनवानी है। तो एफिडेविट आपका 50 या 100 रुपए का बन जाएगा। और इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है कि अपना आधार कार्ड ले लेना है, और आधार कार्ड लेने के बाद आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटो ले लेना है। और एक काम और करिएगा कि जो यह आप डॉक्यूमेंट बनवाइएगा उसका जो है कि आप 2-2 फोटोकॉपी जरूर करवा लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वहां पर जो है कि आपका ओरिजिनल तो जमा ही होता है और साथ में जो है कि फोटोकॉपी भी मांगा जाता है। तो ऐसे में आप जो है कि फोटोकॉपी जरूर करवा लीजिएगा। तो ऐसा काम आप करिएगा। तो यह सब डॉक्यूमेंट आपको जुटाने के बाद आपको क्या करना है कि जो यूपी बोर्ड की ऑफिस है वहां पर आपको जाना है। जी हाँ दोस्तों, यूपी बोर्ड की जो मेन ऑफिस होती है वहां पर आपको जाना है और वहां पर उनको बताना है कि सर हमारी ऐसा ऐसा मार्कशीट है और यह गुम हो गई है और दूसरी मार्कशीट हमको बनवानी है। तो ऐसे में वहां पर कुछ चार्जेज आपके लगते हैं और वह मार्कशीट आपको दूसरी मार्कशीट बना देते हैं। इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगता है, 1 महीने या 1.5 महीने या 2 महीने लग सकते हैं। और जो आपको मार्कशीट मिलती है उस पर जो है कि आप देखेंगे तो, ध्यान से देखेंगे तो एक साइड में डुप्लीकेट लिखा रहता है, लेकिन फ्रेंड्स यह पूरी तरह से मान्य होता है, क्योंकि यह उसी के आधार पर जो है कि मार्कशीट बनाई गई रहती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जो है कि आप यूपी बोर्ड की एक मार्कशीट को दोबारा बनवा सकते हैं, और यह भी मार्कशीट आपकी वैलिड होती है, आप चाहे जहां पर भी इस मार्कशीट को लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको सब कुछ डिटेल्स अच्छे से पता चला होगा। और फ्रेंड्स, किसी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर कमेंट करिएगा, हम उस टॉपिक पर भी वीडियो आपकी लाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में। यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।